बर्ड्स फैमिली। एक जंगल में एक मीनू चिड़िया रहती थी। वे चिड़िया बहुत अच्छी थी। वे तमाम पक्षियों की बहुत मदद करती थी। उस जंगल में ज्यादा अनाज नहीं उग पाता था, जिसके कारण तमाम पक्षियों को समय पे भोजन नहीं मिलता था। मीनू चिड़िया तमाम पक्षियों का भला चाहती थी। वे हमेशा सोचती थी, अरे हमारे जंगल में फसल कितनी कम उगती है, जिसके कारण हमें सही से भोजन भी नहीं मिल पाता। अरे मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पास इतना भोजन आ जाए कि मैं तमाम पक्षियों को भरपेट भोजन दे सकूँ और वे पक्षी कभी भोजन के लिए परेशान न हो। मीनू चिड़िया की तमाम बातें वह दरख्त सुनता था, जिस पर मीनू चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। वह दरख्त ये बात अच्छे से जानता था कि मीनू चिड़िया से ज़्यादा ईमानदार इस पूरे जंगल में कोई भी पक्षी नहीं है। फिर वह दरख्त कहता है, अरे लगता है मेरा आखिरी वक्त अब करीब है। मैं तो अब काफ़ी बूढ़ा भी हो चुका हूँ। अरे लगता है मुझे अपनी ज़िंदगी का आखिरी राज मीनू चिड़िया को बता देना चाहिए, क्योंकि वह ही सबसे ज़्यादा ईमानदार है और वह तमाम पक्षियों का अच्छे से ख्याल रखेगी। फिर वह दरख्त मीनू चिड़िया को बुलाता है। अरे मीनू चिड़िया, जरा इधर तो आओ, मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ख़ास बात करनी है। मीनू चिड़िया ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। अरे मीनू चिड़िया परेशान ना हो, ये मैं हूँ दरख्त जिस पे तुम रह रही हो। मैं तुम्हें नीचे बुला रहा हूँ, इधर देखो। फिर मीनू चिड़िया नीचे दरख्त के पास आके बैठ जाती है। अरे दरख्त भैया, मैं तो डर ही गई थी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, फिर पता चला कि ये तो आप हैं। अब बताइए कि आपको मुझसे क्या काम है और आपने मुझे क्यों बुलाया है। अरे मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का एक राज बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तमाम पक्षियों में सबसे ज़्यादा ईमानदार तुम हो और तुम मेरी बात को अच्छे से समझोगी। अरे हाँ दरख्त भैया, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पास इतना सारा दाना हो कि मैं तमाम पक्षियों की दिल खोल के मदद कर सकूँ और उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। अरे मीनू चिड़िया, जब ही तो मैंने तुम्हें चुना है, अब सुनो मैं तुम्हें अपना राज बताता हूँ। फिर दरख्त मीनू चिड़िया को अपना राज बताने लगता है। अरे मीनू चिड़िया, यहाँ जंगल में एक छोटी सी गुफा है जहाँ एक जादुई चक्की है। अगर तुम जाके उस जादुई चक्की को ले आओ तो तुम तमाम पक्षियों की बहुत ज्यादा सहायता कर पाओगी। अरे दरख्त भैया, लेकिन कैसी जादुई चक्की और उस जादुई चक्की से पक्षियों की सहायता कैसे हो पाएगी। अरे मीनू चिड़िया, वो चक्की कोई मामूली चक्की नहीं है। उस चक्की से अगर तुम जितना भी दाना मांगोगी उसमें से तुम्हें प्राप्त होता रहेगा। अरे वाह दरख्त भैया, अगर मैं वो चक्की ले आऊँ तो तमाम पक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और उन्हें भोजन ढूंढने के लिए कोई परेशानी भी नहीं होगी। अरे मीनू चिड़िया, वो चक्की तुम्हें ऐसे ही नहीं मिलेगी। पहले तुम्हें एक मोर के पास जाना होगा और उससे जाकर कहना होगा कि मुझे बतूता दरख्त ने भेजा है। फिर वह मोर समझ जाएगा कि तुम जादुई चक्की लेने आई हो। फिर वह तुम्हें अपना एक पंख देगा। तुम उस पंख को ले जाकर उस चट्टान के ऊपर रख देना, जिससे वह चट्टान फौरन खुल जाएगी और तुम अंदर जाके उस चक्की को प्राप्त कर लेना। अरे वाह दरख्त भैया, अगर ऐसा हो जाए तो पूरे जंगल की एक बड़ी समस्या खत्म हो सकती है। अरे हाँ मीनू चिड़िया, अब जाओ और जाकर उस चक्की को निकाल लो, इससे पहले के कोई दुष्ट आए और उस चक्की को ले जाए। ठीक है दरख्त भैया, मैं वहाँ फौरन चली जाती हूँ। फिर ये कहकर वे मीनू चिड़िया उस मोर के पास जाती है। अरे मोर बहन, मुझे बतूता दरख्त भाई ने भेजा है और मुझे जादू चक्की चाहिए। अरे चिड़िया, तुम्हें बतूता ने भेजा है, लगता है तुम बहुत ज्यादा ईमानदार हो, तभी उसने तुम्हें वे जादू चक्की हासिल करने के लिए भेजा है। हाँ मोर बहन, मैं तमाम पक्षियों की बहुत ज्यादा मदद करना चाहती हूँ। अरे चिड़िया, मैं तुम्हें अपना पंख दे देती हूँ, जिसे जाकर तुम उस गुफा पे रख देना, फिर वे गुफा अपने आप खुल जाएगी और तुम चक्की लेकर आ जाना। अरे ठीक है मेरी मोर बहन, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर वह मोर मीनू चिड़िया को अपना एक पंख देता है और मीनू चिड़िया उस पंख को लेकर गुफा के पास आ जाती है।
अरे तो ये है वो गुफा जो दरख्त भैया ने बताई थी। चलो जल्दी से मैं ये मोर का पंख उस चट्टान पर रख देती हूँ। फिर मीनू चिड़िया वो मोर पंख उस चट्टान पर रख देती है। फिर देखते ही देखते वे गुफा पूरी खुल जाती है। अरे वाह, ये गुफा तो पूरी खुल गई है। मैं जाती हूँ और जाकर वो जादुई चक्की लेकर आ जाती हूँ। फिर मीनू चिड़िया उस गुफा में पहुंच जाती है और उसे एक जादुई चक्की नजर आती है जो कि उस गुफा में ही पड़ी हुई होती है। अरे तो ये है वो जादुई चक्की। चलो मैं इसे उठाकर अपने घर में ले जाती हूँ और फिर देखते हैं कि इसका क्या करना है। फिर मीनू चिड़िया उस जादुई चक्की को उठाकर अपने घर में ले आती है। अरे ये जादुई चक्की तो यहाँ आ गई। चलो अब इससे थोड़ा सा भोजन मांग के देखते हैं कि ये काम भी करती है या नहीं। फिर मीनू चिड़िया उस जादुई चक्की से भोजन मांगना शुरू कर देती है। अरे ए जादुई चक्की, मुझे बहुत सारा भोजन प्राप्त कर। फिर क्या था, मीनू चिड़िया का ये कहना ही था कि उस चक्की में से बहुत सारा भोजन निकलना शुरू हो गया। अरे वाह, इसमें से तो बहुत सारा भोजन निकल रहा है। अब मैं तमाम पक्षियों में ये सारा भोजन बांट दूंगी। फिर थोड़ी ही देर बाद मीनू चिड़िया के पास बहुत सारा भोजन का ढेर जमा हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत सारा भोजन जमा हो गया है। चलो ये तो अच्छा है। अब मैं तमाम पक्षियों के घर जाती हूँ और बारी बारी उनको ये भोजन बांट कर आती हूँ। फिर मीनू चिड़िया बारी बारी तमाम पक्षियों के घर जाती है और उन सबको थोड़ा थोड़ा भोजन दे देती है। फिर मीनू चिड़िया रोज ऐसा ही करती थी। वे पूरे जंगल में तमाम पक्षियों को बहुत सारा भोजन बांटती थी जिससे तमाम पक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे। फिर एक दिन मीनू चिड़िया अपने दोस्त बिरजू तोते के पास बैठी हुई होती है। अरे मीनू चिड़िया, तुम तो बहुत दयालु हो। अच्छा हुआ वो चक्की सिर्फ तुम्हारे ही पास है। तुम हम सब पक्षियों का कितना ख्याल रखती हो। अरे तोते भाई, इस चक्की के आने से हमारे जंगल में भोजन की एक बहुत बड़ी समस्या हल हो गई है। अरे हाँ मीनू चिड़िया, तुमने हमें उस समय भोजन दिया जब हमारे पास खाने के लिए बिल्कुल भी भोजन नहीं था। अरे तोते भाई, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, बस सारा कमाल उस जादुई चक्की का है। अरे हाँ चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अच्छा हुआ वो जादुई चक्की तुम जैसी ईमानदार चिड़िया के हाथ में आई। वरना अगर वो जादुई चक्की किसी दुष्ट पक्षी के हाथ में आ जाती तो इस जंगल का बहुत बुरा हो जाता। अरे हाँ तोते भैया, लेकिन अभी वो जादुई चक्की बिल्कुल सुरक्षित है। उन दोनों पक्षियों की बातें एक कौवा भी सुन रहा होता है जो कि थोड़ा सा दुष्ट होता है। अरे ये मीनू चिड़िया तो जादुई चक्की लाके पूरे जंगल में बहुत ज्यादा महान बन गई है। अरे मुझे किसी पक्षी की महानता देखी नहीं जाती। अब मैं भी उस गुफा में जाऊंगा, क्या पता मुझे भी जादुई चक्की मिल जाए। फिर ये कह के वे कौवा उस गुफा के पास पहुंच जाता है। वे कौवा देखता है कि वे गुफा अभी भी खुली हुई होती है। वे कौवा फौरन उस गुफा के अंदर चला जाता है। अरे मैं तो उस गुफा में आ गया हूँ, परंतु यहाँ तो कोई भी जादू की चक्की नहीं है। फिर वे गुफा अचानक से बंद होने लगती है क्योंकि कोई भी दुष्ट पक्षी उस गुफा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था क्योंकि वे गुफा जादुई थी और वहाँ सिर्फ अच्छे पक्षी ही आ सकते थे। कौवा अपने लालच के कारण उस गुफा के अंदर ही कैद हो जाता है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें लालच कभी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारी वर्ड्स फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।